हरे कृष्णा। तो भाई आज मार्केट बहुत लोगों का अभी तक बहुत सारा स्टॉप लॉस लेकर के बैठा हुआ होगा आराम से। हम लोग अभी देख रहे थे कोई ट्रेड सुबह से नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था कि ट्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक दिन पहले होमवर्क कैसे करना है। जैसे अगर आप निफ्टी को देखिएगा या बैंक निफ्टी को देखिएगा, तो किसी और का एनालिसिस देखने से अच्छा है कि अगर आपको लर्न करना है एक्चुअल में तो अपना एनालिसिस कीजिए। जैसे देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें आपको अगर कुछ भी देखना है तो सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम, तो वन आवर पे, वन डे पे आप हम लोग लगाते हैं, उसी तरह से सिखाया गया है, तो समझिएगा इसमें। तो इसको हम लोग सबसे पहले, अभी मैं एक घंटा पे देख रहा था तो एक घंटा पे कुछ मिला है इसमें, तो इस वजह से यहाँ पे कोई ट्रेड अभी लेने का इच्छा नहीं है। अगर मिलेगा भी तो एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, क्यों समझ लीजिए लॉजिक, और नेक्स्ट टाइम से आप लोग अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इससे मेरा मैच करता है माइंडसेट और इससे मेरा जो भी मार्केट का एनालिसिस है वो मैच करता है, तो उनसे जा करके अपना एनालिसिस को आप मिला सकते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। देखिए अब वन डे टाइम फ्रेम पे ये है बैंक निफ्टी, इससे कहाँ कुछ पता चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन इस तरह का यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख सकता है, ये वाला देखिए इस तरह से बनता हुआ दिख सकता है, वो भी देख रहा हो ना, ये वाला सेम चीज निफ्टी में भी है आप देख सकते हैं। निफ्टी में मैं ये जो ब्लू लाइन है ये कल ही बनाया था, क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, मैं आपको सब दिखा दे रहा हूँ। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हम लोग होते हैं कि हम लोग को बैंक निफ्टी में नहीं निफ्टी में ही काम करना होता है। अब देखिए ये वाला ब्लू वाला लाइन मेरा पहले से बना हुआ है, एकदम टॉप से लेकर के आप भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम खोजना है। आज अभी तक हम लोग का कोई ट्रेड नहीं हुआ, मिला ही नहीं है, लेकिन आज बहुत लोग फंसे होंगे, क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का इतना बड़ा गैप अप और गैप अप के साथ इतना बड़ा रैली जो हुआ था, तो इसमें सब लोग बहुत एकदम लुभावना हो गए होंगे कि क्या हो रहा है, अप ट्रेंड आ गया, अप ट्रेंड। तो भैया अभी धैर्य रखिए, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। आखिरी का दिन था तो रिलायंस में बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ, आपको भी दिख रहा है कि डब्लू पैटर्न बना है और जो सेकंड बॉटम है वो थोड़ा ऊपर से ही, तो मैं यहाँ पे चक्कर में था कि अगर अपसाइड के लिए यहाँ पे नेक को ब्रेक करता है तो एंट्री लूँगा, लेकिन उस दिन हिम्मत नहीं हुआ मेरा कि इसमें मैं एंट्री लूँ। इस तरह से 3% 4% ऐसे भाग रहा था, तो रिलायंस इतना नहीं भागता है भाई जनरली, तो मैं सोचा कि रुक जाओ देख लो, अगर इतना भाग रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, तो इंतजार करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे देखो चाहता नहीं हूँ कि नीचे आए, लेकिन हो सकता है संभवतः, कल यही लग रहा था लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में कि इस सब रेजिस्टेंस से थोड़ा सा एक नीचे के लिए आएगा, लेकिन नहीं आया, उसको ब्रेक करके क्लोज हुआ। अब देखना है आज कि आज इसके ऊपर क्लोज होता है या फिर नीचे के लिए वापस से आ जाता है, तो यहाँ से बायर का स्ट्रेंथ पता चलेगा। अगर ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ पर एंट्री हम लोग देख सकते हैं, जो कि एक अच्छा ट्रेड नहीं माना जाएगा। अच्छा ट्रेड आपका यहाँ पे अगर मिल जाता 2280 2290 के आसपास मिलता तो एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन उस दिन मौका ही नहीं मिला। अब समझिए कि अभी आपका ट्रेंड जो है, देख लीजिए ये लो फॉर्मेशन ही है, निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी में देखिए लो, उसके बाद लोअर लो, उसके बाद लोअर लो, अब जो है अभी थोड़ा सा एक डब्लू पैटर्न काइंड का डेली में बना है। तो भैया आपको भी पता है कि मार्केट कभी भी एकदम इस तरह से नहीं भागता है, जब भी भागेगा तो ऐसे 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 ऐसे, तो थोड़ा सा हम लोग को इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा अभी धैर्य रखना है, बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना है कि अपसाइड के लिए कुछ बड़ा मिलेगा। तो ये वाला लाइन जो है मैं कल ही ड्रॉ करके छोड़ दिया था कि देखना है क्या होता है। मैं सोच रहा था आज सुबह में ही 8 बजे कि मैं ये वाला अपडेट कर दूँ कि गैप अप ओपन होने वाला है मार्केट, SGX दिखा रहा था, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है भाई कि यहाँ पर आएगा। अब देखिए देखिए इसको एकदम प्रेम से देखिएगा, देखिए ये वाला टच करते हुए यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, नहीं फॉल्स हुआ, फिर यहाँ पे टच नहीं कर रहा था, बहुत लोग होते यहाँ पे टच करवाते, ये वाला फिर मैं आज बना करके देख रहा था कि अच्छा इसको तो ब्रेकआउट किया है, लेकिन भैया यहाँ से सीधा यहाँ से टकराया नीचे आ गया। अब इसको हम लोग लेकर के आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है 15। अब बताइए कि क्या जो लोग सोच रहे होंगे कि बुल रन आ गया, तो बुल रन तो नहीं है भाई, अभी तो एक नॉर्मल सा है और इतना बड़ा गैप भी है, तो हो सकता है कि इसको फिल भी करेगा, चांसेस है, तो थोड़ा सा अभी सतर्कता से रहिए। और देखिए यही हो रहा है, बस एक रेंज में, एक रेंज में यहाँ पर गैप अप हुआ, जो लोग भी अगर गलती से कॉल उठा लिया होगा भाई
बहुत दिक्कत होगा जो नया लोग यहाँ पे फंसा होगा, पुराना लोग को तो पता है कि इतना बड़ा मूव मिला है और गैप अप में भी इतना हो गया है, तो चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया और लंबा पहला 15 मिनट का जो कैंडल था बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल बना। उसके बाद बायर लोग इसको संभाल के बस वही रेंज में, अब देखना है कि आगे क्या होता है। तो अभी तक कोई ट्रेड नहीं है, उसी तरह से बैंक निफ्टी में कुछ नहीं मिल रहा था। तो देखिए बैंक निफ्टी में ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इसको जब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे किए तो कुछ कुछ दिखने लगा, जैसे धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो आपको 4 आवर के बाद 3 आवर इस तरह से कहते हैं टाइम दोगे ना यहाँ पे भाई। तो देखिए 1 आवर में कुछ कुछ चार्ट क्लियर आपका होता है। तो आप यहाँ पे एक तो W भी देख सकते हो जो सेम निफ्टी में हो रहा है वो वाला चीज, और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है इस जगह से, देखिए आप सेम यहाँ से वापस फिर से ट्राई किया, ब्रेक किया है और इस जगह को मतलब ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस रेंज में ऐसा दिख रहा है, इस जगह से आप देखिएगा कि यहाँ पर भी सपोर्ट का काम उस तरह से होके यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक टाइप का किया, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे भी देखिएगा तो ये प्रीवियस जो यहाँ पर का है उसको थोड़ा थोड़ा आपका रिस्पेक्ट किया जा रहा है एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमने फिर 1 आवर पे यहाँ पे ये एक रेंज ड्रॉ किया। अब देखिए इसी रेंज में है मार्केट, तो भैया कोई मतलब नहीं बनता। एक तो ये वाला ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे अभी जस्ट ब्रेक किया है, तो ब्रेक करते ही हम लोग को नहीं लेना है अपसाइड के लिए। जब तक इसको ऊपर साइड के लिए तोड़ करके क्लोज ना हो जाए, अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाए तभी हम सोचेंगे कि चलो कॉल साइड के लिए हम लोग निकलते हैं। अभी कुछ नहीं है। अब 4 आवर से आप इसको 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, तो अगर इंट्राडे में आपको देखना है तो देख लीजिए उसको। देखिए 15 मिनट्स में हम लोग आ जाते हैं, तो जो रेंज हम लोग का बना है उसी में ट्रेड कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता भैया कि यहाँ पे आप फंसो, ठीक है ना। क्योंकि हमको अपना पैसा बचाना है भाई, सबसे पहला प्रायोरिटी है, और डेली यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता है। लास्ट मंथ मेरा ठीक गया है, आखिरी ट्रेड जो मेरा हुआ था उसमें स्टॉप लॉस लगा था, कोई बात नहीं, चलता है, पार्ट ऑफ गेम है। अब एक और बहुत साइकोलॉजी का बहुत बढ़िया वीडियो जो घनश्याम सर से जब मैं लाइव ट्रेनिंग किया था उनसे, तो उसमें साइकोलॉजी का 4-5 पॉइंट मैं लिखा हूँ जो उन्होंने अपने लाइव के ऊपर बताया था, तो उसके ऊपर मैं आज आपको एक वीडियो बना करके दूंगा कि वो सब साइकोलॉजिकल पॉइंट आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा, शायद उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही भाई कि करना क्या है जो समझिए। ऐसा नहीं है कि एकदम हारी में रहिए कि आज इधर भी लेना कुछ नहीं। अभी क्लियर नहीं है ट्रेंड, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप लोग में से किसी को समझ में आ रहा है यहाँ पे तो आप बताइएगा। मेरा स्ट्रेटजी पे कुछ नहीं बन रहा है दोस्त, तो हम अभी स्थायी बैठेंगे, पैसा बर्बाद नहीं करना है। बाकी आप लोग अपना देखिए और अपना एनालिसिस कीजिए और उसको मार्केट में चेक कीजिए कि हाँ सही है कि नहीं, या फिर आप जिसको फॉलो करते हैं उससे समझिए कि वो क्या कहता है, उसका भी मेरे ही जैसा एनालिसिस है या मेरे ही जैसा ट्रेड लेता है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और धीरे धीरे पेशेंस के साथ ये चीज़ आएगा, समय के साथ आएगा, समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह कीजिए। हरे कृष्णा।